नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर की एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कैलाश। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपको लेके आए कार डील पे, और आज हम आपको एक स्पेशल वीडियो दिखाएंगे। जनरली हम लग्जरी कार दिखाते हैं वो डीजल की दिखाते हैं। आज का जो सेगमेंट है, हमने तीन तीन कार लगवाई हैं, एक BMW, एक मर्सिडीज और एक BMW X1 लगी हुई है। तीनों ही कार की खासियत यह है कि तीनों ही पेट्रोल की हैं। सारी गाड़ियों के हम डिटेल बताएंगे। सबसे पहले बुला लेते हैं यहाँ से राहुल भाई को। आ जाओ सर। हाँ जी सर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। लग्जरी कार जनरली डीजल के लिए जानी जाती हैं, ज़्यादा पेट्रोल में आती हैं लेकिन बहुत कम। उन दिनों में सर कम रेंज की जो थी, लोग उन दिनों में डीजल गाड़ियाँ ही लेते थे। जब 2010 था, 11 था, 12 था, जब डीजल बहुत सस्ता भी डीजल सस्ता था। होता था, डीजल की एवरेज ज्यादा होती थी। हाँ। तो हर कोई चाहता था डीजल गाड़ी ही लेता था। पेट्रोल गाड़ी गिने चुने लोग लेते थे जो कम गाड़ी चलाते थे। तो इसलिए जो आज पुरानी गाड़ी है डीजल की ज्यादा है, पेट्रोल की कम है। आप देखोगे तो पेट्रोल की कार इज लाइक हार्ड टू फाइंड, एंड डीजल की तो हर किसी के पास आपको मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। तो आज के वीडियो की स्पेशलिटी ये कि तीनों पेट्रोल कार हैं और दो BM है और एक मर्सिडीज है। सबसे पहले हम इसकी डिटेल बता देते हैं। राहुल भाई, इसकी डिटेल बता दीजिए। सर ये अपनी 2011 मॉडल X1 है, एंड नॉर्मल कंफर्ट लाइन वाला वेरिएंट है। कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर। फ्रंट में आपको कंपनी फिटेड ग्रिल मिल जाती है, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, BMW का ब्रांड टैग साथ मिलता है आपको इसके अंदर। ठीक है, इधर थोड़ा सा साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये लाइट्स वगैरह मिल गई आपको। कंपनी फिटेड अलॉयज मिल जाते हैं। टायर्स की बात करूँ तो इसके अंदर लगभग चारों टायर जो है वो 80% प्रोफाइल के टायर हैं। टायर की कंडीशन भी काफी अच्छी है। हाँ जी, अभी काफी सारे चलेंगे। थोड़ा सा हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ। जनरली हम इंटीरियर आपको बताते हैं, आज हम थोड़ा सा लाइव दिखाएंगे आपको। बेज कलर के सीट कवर्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक सीट मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर है गाड़ी। क्लाइमेट कंट्रोल, AC, स्टेयरिंग कंट्रोल्स हो गए, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, जितने भी फंक्शंस हैं ऑल वर्किंग कंडीशन में, सब कुछ वर्किंग है सर। सेफ्टी पर्पस से अगर आप देखोगे तो एयरबैग मिल जाते हैं। ठीक है, रूफ रेल्स मिल जाते हैं ऊपर आपको। ये कंपनी फिटेड है, कंपनी फिटेड है सर। एंड इसकी बात करूं तो अब रियर सीट की तरफ जाते हैं तो कुछ इस तरीके की आपको रियर सीट मिलेंगी इसमें। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कंपनी फिटेड सीट्स हैं, एंड हरमन गार्डन का कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है गाड़ी के अंदर। अब थोड़ा सा बैक साइड में आ जाते हैं तो कुछ इस तरीके का लुक मिलता है आपको। X1 की बैजिंग है, BMW की बैजिंग है, साथ में आपको कार डील की भी बैजिंग मिलेगी बैक साइड में। डेली रजिस्टर्ड कार है सर, एंड नीचे डीफॉगर्स एंड वाइपर्स मिल जाते हैं। एंड अगर इसकी आप देखेंगे तो काफी अच्छा इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिलता है गाड़ी के अंदर। चार पांच बैग आराम से रख सकते हैं। बिल्कुल सर, इजीली रख सकते हैं। तो ये इसका बूट स्पेस है, काफी सारा आपको बूट स्पेस मिलेगा। राहुल भाई, इसकी थोड़ा हम बेसिक डिटेल पे आ जाते हैं तो क्या इसकी डील दे रहे हैं और क्या क्या डिटेल है इसकी? बात करूँ तो सर ये X1 है, डेली रजिस्टर्ड 2011 मॉडल पेट्रोल कार है ये। ठीक है, एंड इसकी माइलेज की बात करूं तो लगभग 9 से 10 की एवरेज ये दे देती है सिटी के अंदर, एंड हाईवे पे 11 से 12 की एवरेज देती है। टायर कंडीशन 80% है गाड़ी की। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ जाती होगी लगभग सर? पेट्रोल की गाड़ी की मेंटेनेंस जो है कम होती है अकॉर्डिंग टू डीजल। एंड इसका इंजन वगैरह हर चीज थोड़ा सा साइलेंट होता है। डीजल की गाड़ी ज्यादा शोर में जाती है, पेट्रोल की कम शोर में जाती है। तो अब नेक्स्ट गाड़ी के पास खड़े हुए हैं, ये मर्सिडीज की टॉप क्लास लग्जरी में आ जाती है, एस क्लास। आज सुबह ही ऐड हुई है ये गाड़ी, एस क्लास S350। हाँ हाँ, एंड पेट्रोल वेरिएंट है सर ये। 2007 है दिसंबर की, एंड सबसे बड़ी बात जो है ये सिंगल ओनर है। सिंगल ओनर इतनी पुरानी गाड़ी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। थोड़ा फीचर्स गिनाना हम स्टार्ट करते हैं। एंडलेस फीचर होते हैं इसके अंदर, बाहर से तो नॉर्मल होते हैं जो होते हैं, अंदर से अगर आप देखेंगे तो इतने फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर कि गिनते गिनते थक जाओगे, खत्म नहीं होंगे। बट फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हेडलाइट वॉशर, मर्सिडीज का स्टैंडिंग लोगो, एंड पार्किंग सेंसर्स हो गए। बाकी आपको मर्सिडीज के कंपनी फिटेड अलॉयज मिल जाते हैं। टायर की कंडीशन अच्छी है गाड़ी की। टायर इसके चेंज हो चुके होंगे एक बार? बिल्कुल, एक बार ही चेंज हो चुके हैं। इधर आपको साइड फोल्ड मिरर्स विद इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ठीक है, एंड अगर आप देखेंगे तो पूरा ग्लास टॉप मिलता है। एस क्लास के अंदर जो नॉर्मल वेरिएंट भी आता है, सिर्फ सनरूफ आती है। ये पूरा ग्लास टॉप है, पैनोरामिक सनरूफ है इसके अंदर। क्योंकि है टॉप मॉडल। ठीक है, एंड बहुत ही शानदार गाड़ी है ये। अब हम इधर आते हैं, पहले इधर दिखा देते हैं थोड़ा। बिल्कुल नया जैसा इंटीरियर है, स्क्रैचलेस गाड़ी है, हर चीज परफेक्ट एंड फाइन, हर चीज वर्किंग है। ट्रिपल टोन के अंदर है सर इसका जो इंटीरियर है, ब्लैक एंड ग्रेइश कलर के अंदर है। ये ग्रेइश हो गया। पियानो फिनिश के अंदर वुडन पैनल है गाड़ी का। ये सारी सीट्स लेदराइट्स होती हैं ये सर? हाँ, लेदर सीट्स हैं, एंड
इसके अंदर बैक में आपको मसाजिंग सीट्स भी मिल जाती हैं। ये फ्रंट वाली जो सीट है ये मसाजर से इसमें फ्रंट नहीं सर, बैक सीट्स जो होती हैं, क्योंकि शॉफर ड्रिवन कार्स होती हैं, ड्राइवर चलाते हैं ज्यादातर, तो बैक सीट पे ही आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो बैक सीट दिखाएंगे एक बार कैसी है। बैक सीट्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको पहली बात तो एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, ठीक है। एंड बैक सीट पे आपको फ्रिज मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर जो है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप चार वाटर बॉटल्स पूरी एक एक लीटर वाली इजीली इसके अंदर रख सकते हैं। ये सर रिक्लाइनिंग सीट्स हैं प्रॉपर अगर आप देखेंगे। बाकी अगर हम देखेंगे तो ये कर्टन भी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट, इलेक्ट्रॉनिक कर्टन। एंड अगर आप बैक सीट पे देखेंगे तो आपको इसके अंदर ये नॉर्मल ट्रे भी मिल जाते हैं, जिसपे आप लैपटॉप पे वर्क करना चाहें या फिर कुछ खाना चाहें तो इसके अंदर आपको इस चीज का भी ऑप्शन मिलता है, तो हम बंद भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल सारे लग्जरी फीचर इसके अंदर आपको मिलते हैं। हम देखेंगे तो बैक में आपको इसमें सॉफ्ट क्लोज डोर्स भी मिल जाते हैं जो कि परफेक्टली वर्किंग है। ओके, सॉफ्ट क्लोज बूट भी मिलता है इसके अंदर। तो थोड़ा बैक साइड की तरफ आते हैं, इसके बूट की तरफ आते हैं। हाँ जी, तो इसका बूट ओपन करके दिखाओ राहुल भाई कैसा बूट। आपको पीछे तो S350 की बैजिंग मिल जाती है। बूट की बात करूं तो नॉर्मली ऐसे बूट ओपन हो जाता है, लेकिन इसका कितना बड़ा बूट है, अंदर कितना स्पेस है। ये आपको ये जो फ्रिज मैं दिखा रहा था ये फ्रिज होता है, अगर आप देखेंगे तो स्पेयर व्हील की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। ओके, हर चीज 100% नॉन एक्सीडेंटल कार है। बैक से अगर आप देखेंगे तो ये तो ओरिजिनल है, सीलें वगैरह जो होती हैं। ओके, ये पेंटेड नहीं है गाड़ी, एक भी पीस इसका आगे बम्पर से लेके पिछले बम्पर तक कुछ भी पेंटेड नहीं है। ओके, ओरिजिनल पेंट की कार है। ये बूट भी जो है ना सर, ये सॉफ्ट क्लोज बूट होता है, देखो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। मैंने सिर्फ नॉर्मल नीचे करा था, ऑटोमेटिकली बंद हो गया। बहुत सारे सर पीछे कर्टन, फ्रंट में कर्टन, हर चीज परफेक्ट वर्किंग है गाड़ी के अंदर। एंड अगर मैं इसको स्टार्ट भी करके दिखाऊं तो ये हाफ सेल्फ स्टार्ट एंड इंजन देखेंगे तो बिल्कुल साइलेंट है गाड़ी, कोई साउंड नहीं है। ये इस समय स्टार्ट है, बिल्कुल सर स्टार्ट है, हर चीज वर्किंग है। तो अब राहुल भाई वी आर वेटिंग फॉर प्राइस। सर प्राइस की बात करूं, 2007 दिसंबर, सिंगल ओनर चली हुई, डेली रजिस्टर्ड कार, लगभग 60-65 हज़ार के करीब चली हुई है गाड़ी, ठीक है। प्राइस की बात करूं तो पैनारोमिक वाली जो एस क्लास है वो थोड़ी सी नई भी कॉस्टली आती थी, तो इसका जो हमने प्राइस रखा होगा सिर्फ 7,75,000, 7,75,000 में एस क्लास मिल जाएगी। प्राइस नेगोशिएबल है सर। एंड अगर आपको दिखाऊं इसकी चाबी की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, ब्रांड न्यू कंडीशन की चाबी है गाड़ी की, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी वेयर एंड टीयर है, बिल्कुल नई। अब आ जाते हैं हम, आपके साथ में खड़ी हुई है एक और कार BMW। बिल्कुल सर, ये BMW है, बहुत ही कम बजट रखते हैं बट शौक है सारे टॉप लेवल वाले। आपको क्रूज ले रहे हो, एक जो क्रूज लेने जा रहा है कि मेरे को फीचर्स उसके अंदर मिलेंगे, तो हम BMW आज देंगे ब्रांड टैग के साथ, सनरूफ वाली हाईलाइन वेरिएंट, पेट्रोल है, 2008 मॉडल, बिल्कुल नई कंडीशन के अंदर है। फ्रंट DRL मिल जाते हैं, टायर की कंडीशन बहुत अच्छी है, अलॉयज देख सकते हैं, कोई स्क्रैच नहीं है अलॉयज के ऊपर। अलॉयज देखिए एकदम ब्रांड न्यू है अभी भी, पेंट वेंट तो नहीं कराए बाद में? नहीं सर, जेन्युइन है सर, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है। सनरूफ दिखा देते हैं पहले, मिल जाती है आपको ये सनरूफ मिल गई आपको। अगर आप अंदर से इंटीरियर भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इंटीरियर है गाड़ी का। जैसे कि आप ये गत्तों पे देखेंगे तो पूरा लेदर स्टिच्ड है, कंपनी से नहीं आता। एंड इधर जो पैनल है पूरा कार्बन फाइबर में डिप हो रखा है, ये जो है। हाँ जी, ये जो है प्रॉपर लेदर स्टिच्ड है सारा कुछ, बहुत ही प्रीमियम लुक है गाड़ी के अंदर, काफी कॉस्टली इंटीरियर हुआ है गाड़ी का। म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, कंपनी फिटेड स्क्रीन मिल जाती है क्योंकि ये हाईलाइन वेरिएंट है। स्टीयरिंग व्हील भी आप देखेंगे नए वाला स्टीयरिंग व्हील है गाड़ी का, स्टीयरिंग कंट्रोल, सनरूफ, सब कुछ मिलता है, टॉप लेवल की कार है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स। अब आ जाते हैं हम इसकी डिटेल पे, तो इसके प्राइस वगैरह क्या रखे हुए हैं सर। ये है 5 सीटर कार है, सेडान है, 2008 मॉडल है, 3 साल आप इजीली चला सकते हो, उसके बाद वैलिडिटी भी बढ़वा सकते हो। दिल्ली रजिस्टर्ड है, 65,000 रेवन है गाड़ी, ठीक है। कितने में दे रहे हो? प्राइस सर 4 लाख रुपए की। 4 लाख रुपए, 4 लाख की BMW सनरूफ वाली ले जाओ, ईयर एंड सेल है। ईयर एंड सेल चल रही है कार डील पे और 4 लाख रुपए की, और उसमें भी थोड़ा बहुत कर ही देंगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा। ये तो है ही है, बट सनरूफ वाली हाई लाइन कम मिलती है, और ये 325 आई है, रॉकेट है कार, और 4 लाख रुपए में ले जाओ बस। कहाँ रजिस्ट्रेशन है? दिल्ली रजिस्टर्ड है। ये सिर्फ ऑफर वाली बात है सर की मिल रही है, कभी हमें भी नहीं मिलती। हाँ जी, अब बात इनकी जो है ना, आप मेरे ख्याल से इन तीनों पे
कैश में लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल सर, तीनों गाड़ियां पे लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तीनों के जो प्राइसेस हैं लिटिल बिट नेगोशिएबल हैं, तीनों गाड़ियां बिल्कुल नई हैं, कोई कमी पेशी नहीं है। जिसको जोन सी पसंद आई उसी टाइम बुक करा ले, नहीं तो शायद नहीं मिलेगी अगले दिन अगर कॉल करेगा तो। इनकी एनओसी भी मिल जाएगी, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि बाहर के लोग इनमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। तीनों गाड़ियां 100% नॉन एक्सीडेंटल है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया की एनओसी मिल जाएगी, विद इन 15 डेज आपके घर कोरियर से आ जाएगी। ओके, डॉक्यूमेंटेशन की सारी टेंशन हमारी है, आपने सिर्फ गाड़ी चलानी है, मजे लेने, पेट्रोल डलाना और चलानी है बस। चलिए तो ठीक है राहुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे फिर। ऐसी लग्जरी और ऐसी कारें हमें दिखाते रहो सर, बहुत अच्छी कारें हैं। बाकी हमने आपको डिटेल बताने की कोशिश की है, फिर भी मैं चलते चलते आपको यही बोलूँगा कि हर गाड़ी को प्रॉपर चेक करें, हमने जो कहा है उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। हमने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है, हमने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है हर गाड़ी की, थोड़ा सा हमने आपको इंटीरियर एक्सटीरियर आपको दिखाने की कोशिश की है। फिर भी आप गाड़ी को जब भी पहचानेंगे, जब आप विज़िट करेंगे, तो विज़िट ज़रूर करो और गाड़ी को चेक करो, चेक करवाओ, कंपनी में चेक कराओ, मैकेनिक से चेक कराओ। अगर आपको खुद को अपना एक्सपीरियंस है तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो, डॉक्यूमेंटेशन चेक करो, सब कुछ चेक करो, समय लो, समय दो, गाड़ी की डील जब करो। तो बस आज के लिए इतना ही, ख़त्म करता हूँ इन्हीं दो शब्दों के साथ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्वस्थ मत रहो। मिलता हूँ तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।